नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम छात्रों को जानकारी बताना चाहेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं का जो परीक्षा परिणाम है वो यहां पर जारी हो चुका है। जिन भी छात्रों को सप्लीमेंट्री आई हुई है वो छात्र अपना ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक भर सकते हैं, यानी सप्लीमेंट्री का जो परीक्षा फॉर्म है वो आप कब से कब तक भर सकते हैं, साथ ही आपका जो एग्जाम है वो किस डेट से होने वाले हैं, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, साथ ही आपका जो सप्लीमेंट्री के जो एग्जाम है वो कब से होंगे और आपका जो डेट है वो आप कब तक फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 अप्रैल 2022 को जानकारी यहाँ पे अपडेट की गई थी, जो कि फर्स्ट नंबर पर आप यहाँ देख सकते हैं हायर सेकेंडरी हाई स्कूल पूरक परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यवसाय पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा के अंतर्गत यहाँ पे आपके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो गए होने वाले हैं। इसकी डेट आ चुकी है, हम पीडीएफ के माध्यम से जानकारी बताना चाहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 17/2022 में जिन भी छात्रों ने कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की परीक्षा दी है और वो उन्हें सप्लीमेंट्री आई है, उन्हें पूरक है, तो वो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और जो छात्र फेल हैं उन्हें रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी वीडियो हम पहले दे चुके हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जानकारी बताना चाहेंगे, आप यहां पे स्क्रीन पर जो है जानकारी पढ़ सकते हैं। यहां पे इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जिसमें वर्ष 2022 में कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं की जो पूरक परीक्षा है उसका जो है यहां पे आवेदन 4 मई 2022 से स्टार्ट होगा। तो यहां पे आप जो है 4 मई 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री के जो ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो 4 मई 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 मई 2022 तक रखी गई है। 19 मई 2022 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे और साथ ही 21 मई 2022 से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो समस्त छात्र जो है यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कितने छात्र जो है कितने सब्जेक्ट में पास होंगे, कितने में फेल होंगे, यहाँ पे उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप यहाँ पे जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं जिसमें माध्यमिक शिक्षा द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में बेस्ट 5 योजना के अंतर्गत परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। बेस्ट 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है और उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है, ऐसे स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। ऐसे छात्र दिनांक 4 मई से 21 मई तक अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। यानी इनका कहना है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हैं और आप सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मुख्य जानकारी है वो है हमारी कि आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्वयं या एमपी ऑनलाइन के उसके माध्यम से भर सकते हैं। इसमें आपको कितनी फीस पेमेंट करनी हो, आपकी जो परीक्षा शुल्क है वो कितना लगने वाला है, तो प्रति विषय परीक्षा शुल्क यहाँ पर कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के जो रेगुलर एवं प्राइवेट छात्र हैं उनके लिए 350 रुपये का शुल्क भुगतान करना है, साथ ही 25 रुपये का एमपी ऑनलाइन पोर्टल चार्ज यहाँ पे आपको देना होगा। यानी 375 रुपये का शुल्क भुगतान आप करेंगे और इसके बाद ही आप एग्जाम जो है दे पाएंगे। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम है उसका जो टाइम टेबल है वो यहाँ पे जारी हो चुका है। तो टाइम टेबल में जो यहाँ पे डेट दी गई है वो कितनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे। 21/6/2022 से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, यानी कक्षा 10वीं का जो पेपर है वो 21/6/2022 से स्टार्ट होगा और कक्षा 12वीं के जो एग्जाम है वो एक ही दिन में क्लियर होंगे। यहाँ पे 20/6/2022 को आपका कक्षा 12वीं का एग्जाम होगा जो कि सभी सब्जेक्ट के होंगे और इसके बाद कक्षा 10वीं के एग्जाम 21/6 से स्टार्ट होंगे और आगे जो है यहाँ 30/6/2022 तक चलने वाले हैं। इसके साथ साथ और भी कोई जानकारी आती है तो वीडियो के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे।